हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि ट्रिपल एच कंट्रोल में आने के बाद हमें हर वीक कोई ना कोई बड़े मैचेस देखने को मिल रहे हैं, एंड इस वीक का रॉ भी कुछ कम नहीं होने वाला, बिकॉज यहां पर हमें देखने को मिलने वाला है एक रिटर्न, एक चैंपियनशिप मैच, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं, हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दिए ऑफिशियल, वो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच बॉबी लेस्ली वर्सेस AJ स्टाइल्स के बीच। अब आप सब जानते हो ये मैच आउट ऑफ नोवेयर ऑफिशियल हुआ, एंड बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर किसकी जीत होगी, बिकॉज AJ स्टाइल्स एंड बॉबी लेस्ली दोनों को ट्रिपल एच काफी अच्छा बुक कर रहे हैं। बट मुझे लगता है यहाँ पर WWE बीच का रास्ता निकालने वाली है, यानी कि हमें मिज एंड टोमासो चियांपा की इंटरफेरेंस वगैरह देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से ये मैच एंड हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन में। और इसका रीजन आप सब जानते हो, AJ स्टाइल्स की एक तरह से फ्यूड चल रही है मिज के साथ, वहीं लास्ट वीक हमें टोमासो चियांपा भी फेस करते हुए दिखे थे बॉबी लेस्ली को, यानी कि चांसेस अच्छे खासे है AJ स्टाइल्स एंड बॉबी लेस्ली के मैच का हमें कोई भी क्लियर रिजल्ट निकलते हुए नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग WWE ने कर दी ऑफिशियल, वो है रिडल का रिटर्न, जहां पर उनका हमें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने को मिलने वाला है। जैसा कि WWE ने हमें ऐसा दिखाया था कि रिडल इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से वो हमें समर स्लैम में कम्पीट करते हुए नहीं दिखे थे सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, बट रिडल हमें समर स्लैम में देखने को मिलते हैं एंड वो आकर कॉल आउट करते सेथ रॉलिंस पर, जिसके बाद इनके बीच हमें ब्रॉल भी देखने को मिलता है। और फाइनली जाकर इस वीक के रॉ में हमें उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं WWE क्या रिडल को रिंग में लाती है या फिर बैक स्टेज से उनका इंटरव्यू देखने को मिलता है। चांसेस अच्छे खासे है रिडल एंड सेथ रॉलिंस के बीच हमें इस वीक के रॉ में कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, बिकॉज WWE क्लैश एट द कैसल के लिए इन दोनों का मैच कर रही है प्लान। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दिए ऑफिशियल, वो है वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट का मैच एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का वर्सेस निकी एसएच एंड डूड रॉप के बीच। जैसा कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का टूर्नामेंट चल रहा है, रॉ की तरफ से डकोटा काई एंड इयो स्काई सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है, एंड जो भी टीम यहां पर जीतेगा वो नेक्स्ट वीक फेस करने वाला है उन दोनों को। अब चांसेस तो अच्छे खासे है कि यहां पर एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का की हो सकती है जीत। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए जजमेंट डे, एज एंड मिस्टीरियोस के बारे में, देन जैसा कि अभी डोमिनिक मिस्टीरियो काफी ज्यादा गुस्से में चल रहे एज से, बिकॉज एज ने उन्हें स्पीयर लगा दिया था 2 वीक पहले, और हम सब देख रहे हैं रिया रिप्ली हमें हर वीक अटैक करते हुए दिख रही है डोमिनिक पर। और आप सबको बता दूं, ऐसे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि क्लैश एट द कैसल में WWE एक टैग टीम मैच प्लान कर रही है, जो कि होगा फिन बैलर एंड डैमियन प्रिस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड एज के बीच। सो आप सब कह सकते हो अब डोमिनिक को लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट है, बिकॉज ना तो वो अभी अपने टीम मेंबर्स के साथ है, ना ही वो है जजमेंट डे के साथ। वैसे आपको क्या लगता है, डोमिनिक ज्वाइन करेंगे जजमेंट डे को या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर लीजिए रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर के बारे में। तो आप सबको बता दूं, एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इस मैच से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हो ड्रू मैकइंटायर से रिलेटेड। उन्हें एक तरह की इंजरी, या फिर आप कह सकते हो उन्हें बैक में हो चुकी है कुछ इशू। अब ये उतनी ज्यादा सीरियस इशू नहीं है, यानी कि सर्जरी वगैरह नहीं करानी पड़ेगी, बट हां जितने भी आने वाले आगे में लाइव इवेंट्स थे उसमें से ड्रू मैकइंटायर को WWE ने कर दिया रिमूव, यानी कि वहां पर वो हमें कम्पीट करते हुए नहीं दिखने वाले। और क्लैश एट द कैसल को लेकर भी WWE पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ड्रू मैकइंटायर वहां पर आएंगे या फिर नहीं, बट हां ज्यादा चांसेस यही है कि ड्रू मैकइंटायर UK के पेपर व्यू क्लैश एट द कैसल का पार्ट होने वाले, बिकॉज उनके लिए WWE ने ये सारे सिनेरियो क्रिएट किए हैं। और ड्रू मैकइंटायर को कुछ ज्यादा बड़े इशू है, तो हो सकता है इस वीक के रॉ में ड्रू मैकइंटायर इस चीज के बारे में बात करते हुए दिख जाए, या फिर WWE खुद आकर अपने तरफ से कुछ स्टेटमेंट दे। वहीं आप सबको पता ही है, अगर ड्रू मैकइंटायर इंजर्ड हो जाते हैं, रोमन रेंस के लिए एक ही बैकअप प्लान बचता है, जो कि है कैरियन क्रॉस, यानी कि कैरियन क्रॉस वर्सेस रोमन रेंस का मैच हमें देखने को मिल सकता है क्लैश एट द कैसल में। लेकिन स्टिल मुझे लगता है WWE ये मैच नहीं करवाने वाले, क्योंकि कैरियन क्रॉस अभी मेन रोस्टर में उतने ज्यादा ओवर नहीं हुए, जो कि वो WWE के इतने बड़े पेपर व्यू क्लैश एट द कैसल को मेन इवेंट कर पाए। हो सकता है अगर ड्रू मैकइंटायर इंजर्ड होते देन रोमन रेंस के अगेंस्ट कोई ज्यादा बड़ा सुपरस्टार आ सकता है, जैसे कि कोई लेजेंड्स। और लेजेंड से बात चली रही है, देन आप सबको बता दूं टायसन फ्यूरी, जो कि UK से बिलोंग करते वो अब बॉक्सिंग से हो चुके हैं रिटायर, एंड उनके भी रूमर्स आ रहे थे कि वो क्लैश एट द कैसल के पेपर व्यू में आने वाले हैं। सो अगर ड्रू मैकइंटायर नहीं आ पाते क्लैश एट द कैसल के पेपर व्यू में, तो मुझे लगता है ड्रू मैकइंटायर को जो रिप्लेस कर सकते हैं वो टायसन फ्यूरी है, बिकॉज वो भी बिलोंग करते हैं UK से ही। और टायसन फ्यूरी कितने ज्यादा बड़े नाम है बॉक्सिंग में वो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट हम सब यही होप करते हैं ड्रू मैकइंटायर पूरी तरह से हो जाए रिकवर, एंड उनका एंड रोमन का मैच हमें देखने को मिले क्लैश एट द कैसल में। और इस वीक के रॉ या फिर स्मैकडाउन में सभी की नजर रहने वाली है, बिकॉज अगर कुछ होने वाला
है चेंज क्लास एट द कैसल में, देन वो हमें इस वीक के रॉ या फिर इस वीक के स्मैकडाउन में ही होते हुए दिखेगा रिवील। सो गाइज यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना आप क्लास एट द कैसल में कौन सा मैच देखना चाहते हैं, रोमन रेंस वर्सेस कैरियन क्रॉस, रोमन रेंस वर्सेस टाइसन फ्यूरी या फिर रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।